जय श्री महाकाल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह ये वाला काम हो रहा था, ये जो आम का बनाया था ना अंबहर, तो ये सूखने के लिए छत पे लेके जा रही थी, तो इस टाइप का हो गया। इसे दो दो फल्ली कर दिया है, हथौड़ी मारा साइड साइड में, तो ये दो दो ऐसे आराम से हो जाते हैं, तो अभी ये अच्छे से सूख जाएंगे। फिलहाल तो जा रही हूँ छत पर रखने, क्योंकि बहुत टाइट धूप हो रही है, फिर थोड़ी देर से बादल भी आ जाते हैं, इतनी टाइट धूप हो रखी है। चलो आ जाओ। चलिए, तो सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे ली है दाल, तो इसमें उड़द, मसूर, मूंग और है इसमें अरहर और चने की दाल। इसमें पांच तरह की दाल ली है और इसमें जाएंगे कुछ मसाले। ये वाली रेसिपी मैंने पहले भी शेयर करी है, तो इसमें कुछ मसाले हैं। हाँ बेटा, तो यहाँ पे तीन से चार लौंग ली है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री का थोड़ा सा टुकड़ा लिया है और दालचीनी ली है। इसके अलावा इसमें जीरा और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर भी जाएगा। तो फिलहाल तो इसे अच्छे से इसका पेस्ट बना लेते हैं, दरदरा सा पेस्ट बनेगा इसका। और साथ ही इसमें जाएगा अदरक, वो भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लहसुन। और मेरे पास है ये जायफल, तो आप जायफल ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ये महक के लिए बहुत ही बढ़िया महक आती है इसमें से, तो थोड़ा सा किसके डाल दूँगी इसमें। थोड़ा सा पानी जाएगा ताकि आराम से अच्छा सा पेस्ट बनके तैयार हो जाए। और बस इसमें जाएगा जीरा पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और ये हरी धनिया, और थोड़ी सी जाएगी हींग। नमक, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, सबको अच्छे से फेंट लेना है, पूरा अच्छे से मिल जाएगा ना मसाला। और इसमें जाएगा थोड़ा सा मीठा सोडा ताकि अच्छे से फूल जाए, तो ये लिया है मीठा सोडा, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे इसमें। और इधर पानी गरम कर दिया है और इस तरह के दो सांचे हैं मेरे पास, इसमें हल्का हल्का सा, इसको हल्का हल्का सा तेल लगा देंगे ताकि ना ये बैटर चिपके नहीं, इसमें जा कर के बढ़िया से निकल जाए। और आप जैसी लेयर चाह रहे हैं, पतली या मोटी, वैसी बना सकते हैं इसमें। इस तरह से टैप कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। और रखते जाएंगे ऐसे ही। तो ये दूसरा भी तैयार हो गया, ये दूसरी लेयर भी इसमें चली जाएगी। अब इसे ढक देना है, 15 मिनट तक आराम से पकने देंगे। अगर आपके पास इस तरह का कुछ भी बनाने का ना हो ना, तो इडली के सांचे में भी डाल के बना सकते हैं। उसके अलावा भी ऐसे इस टाइप का स्टैंड हो जिसमें आप खाना वगैरह ऊपर रखते हैं, इसमें खाना बनाने के बाद, तो वो एक कढ़ाई में रखें, उसके ऊपर एक थाली में तेल लगा करके, और फिर उसमें ये जो सारा प्रोसेस बताया, आप ये पेस्ट बना के उसमें डाल दो बढ़िया सा, और
आराम से इसको ढक दो कढ़ाई को, जो भी इसकी साइज की ढक्कन हो प्रॉपर बैठे उसमें वो ढक दो। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मोड़ा भाप निकला तो गीला कपड़ा किनारे किनारे लगा दो तो वैसे भी बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये सारा चीज़ होना चाहिए। ये तो क्या है, मैंने सेट का ख़रीदा हुआ है, तो इसमें इडली भी बन जाती है। इसमें दो सांचे इडली के और इस तरह से ढोकला वगैरह बनाने के दिए हैं और एक मोमोज़ वगैरह स्टीम करने वाला दिया हुआ है। तो फिलहाल तो इसे पकने देते हैं और साथ में लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो लंच में आज बनेगी कढ़ी, तो ये जो बन रहा है ना इसी को फ्राई करके कढ़ी में डालूँगी और देखते हैं सब्जी वगैरह में क्या बनाते हैं। फिलहाल तो बच्चे भी सो के उठ गए हैं और बिटिया रानी तो पता नहीं कहाँ गायब होगी उठते से ही, अब देखना पड़ेगा ये कहीं कहाँ है। तो बस आ गई थी इधर किचन पे, तो ये उसना बनके तैयार हो गया था। इसको उसना भी बोलते हैं और इसको इंद्रहार भी बोलते हैं। इसकी रेसिपी पहले भी शेयर करी है आपने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इसका लिंक भी डाल दूँगी मैं। और बस आप इसे चाहें तो अपने हिसाब से किसी भी शेप में काट सकते हैं, ढोकले के ढोकला जैसे ये चौकोर कटता है वैसे काट लें, चाहे तो जैसे मैं काट रही हूँ वैसे काट लें आप। और ये गरम गरम ही खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्टी लगता है। तो आप चाहें तो मूंगफली दही की चटनी के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ खाएं, किसी भी चटनी के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। और इधर ईसू भी आ रखा है किचन में, आज इसने टेबल लगा करके ना पूरे मटके का पानी गिरा दिया था। मैं इधर किचन पे लगी हुई थी और बीच बीच में किसी को खाना देने तो कभी बिटिया को देखने जा रही थी, तो इसने आज पूरा मटके का पानी गिरा दिया था। और इधर भिंडी की भुजिया बना रही थी, तो बस इसमें आलू डाला है, तो अच्छे से जब आलू पक जाएगा तो भिंडी डाल दूँगी इसमें मसाले, कुछ मसाले डाल करके। और ये एकदम फ्रेश दही थी, बहुत बढ़िया दही थी, तो एकदम फ्रेश दही की आज ना कढ़ी बनाऊँगी। तो इसमें डाली है बेसन डाला और इसमें डाल दी है दही और थोड़ी सी डालूँगी हल्दी पाउडर। उसको सबको अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें बिल्कुल भी एक भी दाना ना रह जाए बेसन का, एकदम पूरा अच्छे से फेंट लेने से क्या होता है कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, जितना अच्छे। और इसे 10 मिनट 15 मिनट अगर फूलने के लिए रख देना बेसन, तो उससे और अच्छी कढ़ी बन के आती है। तो आज जो मैंने इंद्रहार बनाया है उसना, उसी का ही कढ़ी बनेगा। तो उसको अच्छे से पहले मैं रेड कलर का एकदम होने तक, ब्राउन कलर का अच्छे से उसको पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद इस कढ़ी में डालूँगी, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो एक थाली की तो सबने अच्छे से खा ली थी और ये बची ये थाली, तो हाफ ही यूज़ करूँगी क्योंकि हाफ कढ़ी के लिए बहुत सही है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि फिर कढ़ी का फिर मज़ा नहीं आएगा, यही दिखेगा। और आधा रख देंगे फ्रिज में, तो बाकी किसी दिन भी मन करेगा तो आप चाहो तो एक हफ्ते तक रखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फ्राई करके कभी भी खा लो। क्योंकि अब तो ये ठंडा खाया नहीं जाएगा तो इसे फ्राई करके ही खाऊँगी। तो बस यहाँ पे निकाल रही थी जितना यूज़ करना था मुझे, बाकी सारा डिब्बे में पैक करके रख दूँगी फ्रिज में, जब भी कभी नाश्ते का कुछ ऐसा लगेगा खाने के लिए तो यूज़ कर लेंगे। और सब्जी भी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई थी मेरी इधर, तो बस अब कढ़ी लगानी है, कढ़ी और चावल खाएंगे आज, और रोटी वगैरह तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि दोपहर में इतना सारा सुबह से खाना बनाने लगो ना तो बाकी सारे काम लेट हो जाते हैं, और गर्मी में इतना खाना भी कोई नहीं खाता। तो बस यहाँ पे डाला है सरसों का तेल। अभी क्या है कि मेरे घर में ना रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो अभी तो काम चला रही हूँ मैं, अभी बस काम चल रहा है। जब से घर से आया ना तो डी मार्ट जाना ही नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग डी मार्ट जाते हैं या तो वहीं से सारे इकट्ठे ही सामान आता है, नहीं तो पहले बिग बाज़ार था तो वहाँ चले जाते थे, तो यही दो जगह से सामान आता था हमारा। फ़िलहाल तो इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं। और अभी जीरा ख़त्म हो गया है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म है, एक दिन बैठ के लिस्ट बनाऊंगी और फिर सारा सामान 1 तारीख में जाके लेके आएंगे। बाकी यही सोचती हूँ जब तक काम चल रहा है चला लो, फिर एकदम 1 तारीख से लाने से ये है ना हमारा एक बना हुआ है रूटीन कि हाँ 1 से 2 तारीख तक 3 तारीख तक के बीच में जाके किराने का सामान लेना महीने का और महीने के लास्ट तक चलाना है। इससे क्या है बजट बना रहता है घर का कि हाँ ये अगर बार बार चीज़ें बीच बीच में लेके जाओ ना तो पता भी नहीं चलता कितनी सारी चीज़ें हम एक महीने में लेके आए और कुछ हिसाब किताब भी नहीं मिलता कि कितना खर्चा कर दिया। तो अपने घर का सबके अपने अपने घर का कुछ रूल होता है कि हाँ इतना ऐसे ऐसे करना है, यहाँ पर इतना खर्चा करना है। तो मेरे घर का भी कुछ ऐसे ही है कि हमसे 1 से 2 तारीख के बीच में ही किराने का सामान लाते हैं। हाँ छोटी मोटी चीज़ें घटती रहती हैं तो लेके आ जाते हैं मार्केट से, ज़्यादा नहीं लाते। पर मैंने यही सोचा है कि मैं जब अभी ना
पूरा महीना चलाऊंगी जुगाड़ से। तो ये जुगाड़ वाला महीना चल रहा है मेरा। तो फिलहाल यहाँ कढ़ी में लगा रही थी तड़का, तो थोड़ा सा ना सर छोटी वाली राई डाली है और ज़ीरा नहीं था, तो मेरे पास इस समय सा जीरा बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो वो थोड़ा सा डाल दिया था। और इसमें लहसुन डाली है और लाल मिर्च डाली है, खड़ी खड़ी लाल मिर्च। और मैं कोशिश मेरी ज़्यादातर सब्जियों में ना आप देखोगे कि मैं ज़्यादातर ना धनिया डालती हूँ, है ना, धनिया के सीड्स डालती हूँ, तो वो हमेशा मसल के कड़ी वड़ी में डालती हूँ, बहुत अच्छा लगता है वो। तो वो भी डाल दिया था और डाल दी है हींग, कड़ी में हींग बहुत अच्छी लगती है। और क्या है, बेसन तो गैस भी बनाता है ना पेट में, तो हींग वगैरह थोड़ा डाल दो तो सही रहता है। तो बस हींग डाल दिया था, सारे मसाले अच्छे से पक गए थे, तो बस यहाँ डाल दी है कड़ी, मतलब जो घोल तैयार किया था। अब बढ़िया सी कड़ी बनके तैयार हो जाएगी। और थोड़ा सा ना आज पतली कड़ी करी है, क्योंकि जो ये डालूंगी ना फ्राई करके जो रखा हुआ है उसना, तो उससे क्या है ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सी गाढ़ी सी कड़ी बनेगी जो कि मज़ा नहीं आएगी खाने में। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें और कढ़ी को अच्छे से गढ़ने दें, जितनी देर तक कढ़ी करती है उतनी ही अच्छी। और बच्चे भी बहुत अच्छे से कढ़ी और चावल खाते हैं मेरे घर में। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और इधर कढ़ी तो ऑलमोस्ट बनने वाली है, इसमें ये जो सारा फ्राई करके रखा है ना ये डाल देंगे। तो इसमें भी अभी 5 से 10 मिनट तक उबाल आने देंगे, तो ये कढ़ी बनके हो जाएगी रेडी। और ये जितना भी डाला है ना इसमें ये पकौड़ा, तो इससे क्या होगा कि ये जितना भी पानी है ना थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पानी डाली है कढ़ी में ताकि ये परफेक्ट बन के आए। फिलहाल तो इसे पकने देते हैं। और इधर रात में मलाई इकट्ठा जितने दिन की मलाई इकट्ठा कर रखी थी उसे जमा दिया था, अब इसका निकाल रही हूँ मलाई और छाछ अलग हो जाएगा, वो भी करना है। और बर्तन भी बहुत सारे हो गए, तो फिलहाल ये सारे काम निपटा लेती हूँ, चूल्हा वूल्हा साफ करके फिर लास्ट में घर का काम करके फिर रखूँगी चावल, क्योंकि अब किसी को भूख तो है नहीं, सब बाद में ही खाएंगे, तो फिलहाल ये सारे काम कर। तो इधर छाछ रख दी है और इधर इस बार इतना ज़्यादा मक्खन निकला है, ये देखिए ये पूरा भर गया था, ये ओवरफ्लो हो रहा था, तो सोचा इसमें डाल दिया। और इसके अलावा भी बिटिया ने इतना सारा खाया, उसको मक्खन बहुत पसंद है, तो इस बार ये इतना सारा मक्खन हुआ है। और इधर कढ़ी भी बन गई थी, सब कुछ बन चुका है, बस यहाँ से वहाँ तक सारा फैला हुआ है, ये सारी सफाई करनी है। सफाई करने के बाद दिखाऊंगी कैसा दिखता है किचन, ये देखिए अभी कितना गंदा हो रखा है। तो फाइनली घर का सारा काम निपट गया, ये देखिए अब अच्छा दिख रहा होगा आपको किचन, साफ सुथरा एकदम बेहतरीन। अभी ना मैंने किचन में कुछ चेंजेस किए थे, कल ही कर दिए थे। यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे अपना तेल वगैरह का इधर सारा डिब्बा वगैरह रखती थी और अभी इधर शिफ्ट कर दिया है इस साइड में माइक्रोवेव के साइड में, और इधर बचा हुआ खाना वगैरह जो भी रहता है ना इधर ही रहता है मेरा। तो यहाँ और मटका वहाँ रख दिया था, क्या था मटका यहाँ पे रखी हुई थी ना, तो बच्चे बार बार खोल के पूरा पानी गिरा देते, नमक में भी डाल दिया था उन्होंने पानी, और अब बहुत ज़्यादा गंदगी मचाई थी। तो उस कॉर्नर में है ना, तो वहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी गैप है, तो पानी नहीं गिराएंगे। और अभी बच्चे टीवी देख रहे थे, अभी तो हाहाकार मचा रखा था पूरे घर में, मुझे ये चाहिए मुझे ये वो चाहिए, सब लड़ाई झगड़ा चल रहा था। ये इधर बच्चा पार्टी गैंग और मिस्टी का फ्रेंड भी आया हुआ है, जिसके यहाँ मिस्टी हमेशा टिकी रहती है, सुबह से शाम तक जाती है, आने का नाम नहीं लेती है। और आज ये छुटकू तो बहुत ज़्यादा परेशान किया, इसे बाथरूम में बंद किया था थोड़ी देर के लिए, जब इसने खुद से बोला खोलो खोलो तब फिर खोला है। अब बच्चे हैं तो चलो बच्चों को कुछ खिला पिला देते हैं, खाना वाना तो खा लिया था इन्होंने, अब इन लोगों को सोच रही हूँ कि शेक वगैरह दे देती हूँ, तो आज आइसक्रीम वाला शेक बना के दूँगी इनको, तो फटाफट से बना लेती हूँ। पीना है, मज़ा आएगा। चलो ये बनाना शेक, वो मैंगो शेक है।
ये तैयार हो गई आइसक्रीम, आइसक्रीम के साथ मैंगो शेक। चलो पिए, है ना, चलो। तो बच्चे यहाँ अच्छे से अपना मैंगो शेक और आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। इतनी गर्मी में ये सब मिल जाए तो बच्चों को मज़ा ही आ जाता है, और साथ में इधर टीवी भी देख रहे हैं। चलो फटाफट से कौन सबसे पहले पिएगा बताओ, चलो देखते सबसे पहले आज कौन पीता है। अरे लग रहा है यीशु पी लेगा सबसे पहले। अरे वाह यीशु, यीशु सबसे पहले आइसक्रीम ही खाएगा ऊपर से निकाल निकाल के। चीकू आप पीछे आ जाओगे, फटाफट से पी लो। आपका नाम मुझे पता है। यहाँ पे तो सबसे पहले मिस्टी ने खत्म कर लिया है, फिर सेकंड नंबर पे भी दोनों बराबरी का मुकाबला चल रहा है चीकू और यीशु में। देखते हैं पहले कौन पीता है। यीशु तो फर्स्ट, वो मिस्टी तो फर्स्ट आ गई, अब चीकू और यीशु का कंपटीशन है। तो हमारे घर में आया एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बेबी, नया मेहमान। ये देखिए है ना क्यूटू सा। आ आ, कौन है कौन है कौन है? बाबू बाबू। तो ये छोटा सा बच्चा मेरी फ्रेंड का है, मुझे बहुत मन कर रहा था मैं घर में लाके आराम से इसके साथ खेलूं, तो वही खेल रही थी। छोटे बच्चे बहुत पसंद है जो खासकर रोते नहीं, रोतड़ू तो पसंद नहीं है मुझे, जो रोते नहीं है ना बच्चे वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनको खिलाना बहुत पसंद है। तो जब से ये पैदा हुआ था ना तब से खिला रही हूँ मैं इसको, और ये पहचानता भी है। अभी इसके घर गई थी तो ये पहचान लिया, फटाफट से गोदी आने के लिए तैयार था तो उसे गोदी ली, और फिर मन किया कि घर में ले जाके आराम से खिलाऊं। उसकी मम्मा बिजी भी थी, खाना बनाना था उनको, तो मैंने बोला चलो मैं थोड़ा सा खिला करके फिर जब आपका काम हो जाएगा तो पहुंचा दूंगी। तो फिलहाल तो मैं इसके साथ खूब खेलने वाली हूँ, आज बहुत मज़ा आएगा। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे से थोड़े बड़े बड़े हो गए और बदमाश भी हो गए। अभी ये बदमाश नहीं, अभी ये बहुत ही क्या बोलूँ इसको, बहुत अभी इसे इसके अंदर ना बहुत मासूमियत है। अभी ये बदमाश बच्चा नहीं, इसको बदमाश होने में अभी टाइम है, तो उसे थोड़ा सा अच्छे से प्यार कर लेती हूँ, है ना बाबू। आप अच्छे हो ना, आप बदमाश नहीं हो, बदमाश नहीं हो, हो कौन है कौन है कौन है कौन है? देख मैं साबुन लेके आया। क्या कर रहे हो, लाइट बंद करो यहाँ से। क्या खाओगे? मम्मी को जी थोड़ी खाने का। बस और इधर आ गई थी किचन में, और मेरे को और हस्बैंड को कुछ ज़्यादा खाना नहीं था। अब हम लोगों ने कड़ी चावल ही अच्छे से खा लिया था, हमारा पेट भर गया था, तो शाम को ऐसा कुछ खाना नहीं था हैवी। और बस बच्चों के लिए यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज और गाजर अच्छे से कट कर ली थी बारीक बारीक सी, और उसमें ऑरिगैनो और चीज़ पेस्ट डाल दिया था, हल्का सा नमक। और बस यहाँ पे ली थी मल्टीग्रेन ब्रेड, और इसमें लगाया थोड़ा सा मक्खन, और ये सारा जो मिक्सचर तैयार किया है ये डाल दूँगी इसमें, और फटाफट से इनका सैंडविच मेकर में डाल करके सैंडविच बना देंगे। और बच्चों ने बहुत अच्छे से खा लिया था और पेट भी भर गया था। ये देखिए क्या कारगामे चलते रहते हैं मेरे घर में, मतलब वहाँ चढ़ के पूरे मटके का पानी निकाल निकाल के ये इधर से उधर करते रहते हैं। कभी कभी तो मन करता है इतना पीटू उन लोगों ना, दिमाग ठिकाने आ जाए। और इधर बच्चों के लिए सैंडविच बना दी है, अब इनको खिलाना है, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। मिस्टी तो खा लेगी, यीशु के लिए बस खिलाना पड़ेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, और बहुत गर्मी हो रही है, देख रहे हैं पसीना, अति वाली गर्मी हो रही है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और रोज कहती हूँ, आज भी कहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नए सब्सक्राइबर नए व्यूअर, और शेयर और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर